आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर। में दोपहर 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हाजिर। आइए नजर डालते हैं इस समय की टॉप 10 हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू, 24 सीटों पर हो रही है वोटिंग। कोलकाता कांड, नए सिरे से ममता सरकार से बातचीत चाहते हैं प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर, नहीं खत्म हो रहा है हड़ताल। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को जिरह का मिलेगा मौका। संपूर्ण परिसर के अमीन सर्वे की अर्जी हो चुकी है खारिज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने तक सरकार को मिलेगी 400 करोड़ की जीएसटी, अब तक खर्च हुए हैं 2500 करोड़, सरकार को मिल चुके हैं 166 करोड़ रुपए। यूपी में अब पुलिस चौकी भी नहीं है सुरक्षित, जौनपुर में पुलिस चौकी के भीतर से भगवान कृष्ण की मूर्ति को बदमाशों ने किया खंडित। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का तांडव, कानपुर में मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। काशी में गर्जे सीएम योगी, बोले 2014 से पहले था आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद, अब विकास के साथ आस्था का सम्मान। यूपी के बाद अब दिल्ली के करोलबाग में इमारत के ढहने से मची अफरा तफरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई राज्यों में हिंसक झड़प, महाराष्ट्र में 2 गुट भिड़े पत्थरबाजी, राजस्थान में भी हिंसक विवाद के बाद 13 घायल। और अगले हफ्ते पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। तो दोपहर 12 बजे के इस बुलेटिन में इतना ही, शाम 7 बजे फिर बुलेटिन के साथ होंगे हाजिर। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। नमस्कार।